how I achieved this hair to this hair, I'll show you. एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है. As you all know, I am Yogita Singh. Again, आज का टॉपिक है मेरे ये खूबसूरत बालों का राज. तो ये बचपन से ऐसा नहीं थे, ये लिटरली झाड़ू थे, वो डिश वॉश करने वाला मैजिक, अ काइंड ऑफ दैट. मैंने बहुत सारी चीजें अप्लाई करी, होम रेमेडी एंड ऑल, शैम्पू चेंज करे, मेरे पास शैम्पू का पूरा मार्केट है, पर कुछ भी वर्क नहीं करता. लिटरली थोड़े टाइम के लिए हमको कुछ इम्प्रूवमेंट मिलती है, लाइक 20-30%, पर इन एक्चुअल हमको परमानेंट सॉल्यूशन तो चाहिए, बिकॉज आई एम डूइंग कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल. लोग, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं एंड बहुत सारे लोग कुछ कुछ भी बोलते हैं, बाल बहुत खराब हो रखे हैं, ये कुछ अपना ही मेंटेन नहीं करती, ये हमको ब्यूटी एडवाइस दे रही है, दीज इज ब्ला ब्ला. सो ओके, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए थैंक यू. जैसे भी हूँ मैं हूँ, बट मुझे अपने बालों से कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं, पर कभी कभी अच्छे स्टाइलिंग के लिए थोड़ा अच्छे स्मूथ बाल होने चाहिए, राइट? हाउ आई अचीव दिस हेयर टू दिस हेयर, आई विल शो यू. बेटा, तुमसे ना हो पाएगा. बाल में आज तक मैंने इवन तो कोई हेयर स्पा भी नहीं लिया, सिर्फ मैंने एक बार स्ट्रीक्स करवाए थे जस्ट नॉर्मल बिकॉज ऑफ माय सिस्टर मैरिज, बट वो भी मुझे अच्छे नहीं लगे थे, उसके ऊपर मैंने कलर कर लिया था बिकॉज आई हेट ऑल दीज थिंग्स. बट अभी होते गया टाइम, सो आई एम थिंकिंग कि अब मुझे अपने बालों को अच्छा लुक दे देना चाहिए था. सो दिस इज माई हेयर लेंथ एंड अभी ये रफ रफ दिख रहे हैं बिकॉज मैंने कोम्ब ही नहीं किया है. अब इतना मैनेजेबल है तो मैं थोड़ा तो स्टाइल मार ही सकती हूँ. ओके, सो मैंने अपने बालों में करवाया है केराटिन. एज यू ऑल नो कि इट्स अ ट्रीटमेंट एंड क्या बोलना था मुझे, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा. हेयर में अपने बहुत सारी चीजें होती है लाइक केराटिन स्मूथनिंग एंड ऑल, बट मुझे बहुत सारी मैंने रिसर्च करी एंड पर्टिकुलरली मैंने केराटिन चूज किया बिकॉज केराटिन इज नॉट दैट मच हार्मफुल फॉर योर स्किन, आई मीन फॉर योर स्कैल्प. सो आई चूज केराटिन बिकॉज इसमें बाल एकदम स्ट्रेट लाइक अ स्केल नहीं दिखते हैं, बट थोड़ा सा आपके स्मूथनिंग एंड मैनेजेबल हेयर हो जाते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू लॉस्ट माई दैट नेचुरल टेक्स्चर ऑफ माई हेयर. सो मैंने स्मूथनिंग नहीं करवाई एंड स्मूथनिंग एंड रीबॉन्डिंग एंड ऑल मैंने सुना उनके बाद, मतलब लाइक जब तक उनका ड्यूरेशन ऑफ दैट थिंग रहता है तब तक तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं, और उसके बाद बाल एकदम खराब हो जाते हैं. लाइक हमको कंटिन्यूअसली वो करवाना पड़ता है, केराटिन में ऐसा नहीं होता. मेरे फैमिली में भी कुछ लोगों ने करवाया तो आई कैन सी दैट रिजल्ट. एंड मैं भी ये वीडियो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ कि अभी, लाइक मैंने जब करवाया था तब तो मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लाइक अभी 3 मंथ्स हो गए हैं तो थोड़ा थोड़ा बाल खराब होना स्टार्ट हुए, लाइक रियल मेरा टेक्सचर आया, क्योंकि यहाँ से जो लेंथ है वो आ गई है. तो वो मेरा जो नेचुरली है वो थोड़ा तो अजीब है लाइक वाला, तो वो अभी है, पर इन लेंथ एंड पूरा एंड्स लाइक अभी भी प्रॉपर सेट है. एंड एज यू ऑल नो आई एम वेरी मच केयरलेस, आई एम वेरी मच आलसी, सो मैंने इतना केयर नहीं किया. लोग केराटिन के बाद प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं, लाइक अच्छे से ड्रायर यूज करते हैं, शैम्पू कंडीशनर एंड सीरम, वो बस मैं यूज कर रही हूँ लाइक ड्राइंग एंड ऑल के लिए, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता. आई एम सो आलसी, लाइक रन ऑन करके हा करके सुखा देती हूँ. एंड ये एज कम्पेयर टू स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग एंड रीबॉन्डिंग थोड़ा चीप भी होता है बिकॉज हम फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं और कोई भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है फर्स्ट टाइम में. एंड बेसिकली अगर आपका हेयर स्टाइलिश जो है लाइक जो भी जहाँ भी आप सैलून जा रहे हैं अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप वो करवाइए. मैंने जो भी वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे लाइक मैं बिफोर द वन डे मैं वहाँ पे गई, उनसे मैंने बात करी कि वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट वो कह रहे थे कि कीप इट कॉन्फिडेंशियल बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू शेयर दैट थिंग इन अ सोशल मीडिया. सो मैंने उस पर रिसर्च करी दैट इज सेफ. तो आप लोग भी अपने सैलून में जाके लाइक पूछ सकते हो और उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि दैट प्रोडक्ट इज सेफ फॉर योर हेयर और नॉट.
एंड वन मोर थिंग, जब आप केराटिन करवाओ तो लाइक आप देखो कि लाइक अभी लाइक यहाँ ये पूरा लेंथ है, तो वो एटलीस्ट टू फिंगर गैप देके ही आपका प्रोडक्ट अप्लाई करें, बिकॉज अगर आपका नियर बाय द स्कैल्प होगा तो फिर कुछ टाइम के बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट मच हीट. सो प्रोसीजर सेम था, लाइक बस प्रोडक्ट्स का डिफरेंस रहता है एंड केराटिन इज अ काइंड ऑफ फूड फॉर योर हेयर. सो आई एम थिंकिंग कि केराटिन इज अ सेफ साइड एंड मैं आपको पूरा प्रोसीजर तो दिखाई रही हूँ. सो फाइनली आ चुके हैं हम हमारे सैलून अपने हेयर को न्यू लुक देने के लिए, अपने लुक को एनहेंस करने के लिए, अपने हेयर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपना केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के लिए. सो भले ही अभी मेरे हेयर छुड़ैल जैसे क्यों नहीं लग रहे हूँ, पर एंड रिजल्ट देख के तो आप ही बोलोगे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. सो फर्स्ट प्रोसेस हमारा यही था, हेयर वॉश एंड कंडीशनिंग, जो प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हुआ एंड आई एम होपिंग एट द टाइम कि मेरा एंड रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल हो एंड मुझे कुछ हार्म नहीं करे. सो ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एंड हेयर वॉश होने के बाद मेरे हेयर को टॉवल ड्राई करा, 10 मिनट्स वेट होने के बाद ब्लो ड्रायर से प्रॉपर इवनली हेयर ड्राई करे. बेसिकली ये प्रोसीजर में रूट्स को प्रॉपर ड्राई होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड केराटिन होने के बाद भी जब भी हम हेयर वॉश करें तब हमको हमारे हेयर को ड्रायर से प्रॉपरली और सनलाइट में प्रॉपरली अपने हेयर को ड्राई करना चाहिए. ये चीज़ मुझे उन्होंने मतलब एक्सपर्ट्स ने ही सजेस्ट करी एंड उसके बाद उन्होंने मेरे हेयर सेक्शंस करे एंड जितना छोटा सेक्शन होगा उतना ही अच्छे से आपका प्रोडक्ट अप्लाई हो पाएगा. एंड ये चीज़ मैंने वहीं पे सीखी एंड ये मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी ध्यान रखो कि छोटे छोटे सेक्शंस में प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है तो वो आपका केराटिन ड्यूरेशन इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज प्रोडक्ट अप्लाई अच्छे से होगा तो आपका केराटिन भी अच्छा ही चलेगा. एंड वन मोर थिंग कि आप कभी भी अपना केराटिन एंड ऑल शेड्यूल करो तो कभी भी वीकेंड्स में मत करना, बिकॉज वीकेंड्स काफ़ी बिजी होते हैं मोस्ट ऑफ द सैलून्स एंड वीक डेज में अगर आप करोगे तो वो आपको प्रॉपर टाइम दे पाएंगे और हरी भरी में नहीं करेंगे. सो आपका केराटिन उतना ही अच्छा होगा. सो अपने लिए एक दिन टाइम निकाल ही लेना. सो बैक टू द टॉपिक, वो अच्छे से सेक्शंस में डिवाइड करके मेरे हेयर को टाई करके छोटे छोटे सेक्शंस में प्रोडक्ट अप्लाई करके प्रॉपरली मसाज करके टाइमिंग देख कर पूरा प्रॉपर अच्छे से उन्होंने किया. देन उसके बाद ये सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाने के पूरे हेयर में ये प्रोडक्ट सेम प्रोसीजर से लगा. एंड आई टोल्ड यू इन अ वीडियो स्टार्टिंग कि नियर बाय द स्कैल्प नहीं लगना चाहिए प्रोडक्ट एंड ये चीज़ आप ये वीडियो में भी देख रहे हो. एंड अब ये पूरे प्रोडक्ट मेरे हेयर पे लग जाने के बाद उन्होंने 15-20 मिनट्स का मुझे ब्रेक दिया एंड अभी मैं इंजॉय कर रही थी, थोड़ा वीडियो शूट करा था एंड उन्होंने कुछ मुझे दो मास्क मुझे दिए लगाने के लिए, बिकॉज़ ये प्रोसीजर थोड़ा सा डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये एक अ काइंड ऑफ केमिकल ही हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है ये धुएँ में. सो अगर आप कोई भी मेडिकल प्रोसीजर में हो तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आप बिना डॉक्टर एडवाइस के केराटिन करवाओ. सो पहले आपको अपने एक्सपर्ट से ये पूछ लेना चाहिए कि आपको ये करवा लेना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए. सो हम पूरे प्रिकॉशंस के साथ करवाए एंड ये प्रोसेस के बाद मुझे मेरे हेयर अभी ही इतने ज़्यादा सुंदर लगने लगे थे. सो पहले तो उन्होंने ड्रायर से पूरा ये ड्राई किया पूरा वो जो सॉल्यूशन था, उसके बाद वो थोड़ा ब्रेक 10 मिनट्स उसको कूल डाउन होने के लिए छोड़ा एंड उसके बाद स्ट्रेटनर से अगेन उन्होंने स्ट्रेट किया एंड मेरे हेयर को डिटैंगल किया. एंड अभी मुझे मेरे हेयर इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे. 15 मिनट्स ब्रेक में मैंने अच्छे से फ़ोटोज़ एंड ऑल ली, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे. मैंने तभी सबको फ़ोटोज़ भेज दी घर पे कि मेरे हेयर इतने सुंदर लग रहे हैं. फिर ये प्रोसेस के बाद आई एम होपिंग कि ये ऐसे ही रहे. मुझे हेयर वॉश फाइनल नहीं करने का मन हो रहा था एंड ये प्रोसेस के बीच में इतना टाइम निकल गया कि मुझे भूख लग गई. सो थोड़ा मैंने मंचिंग एंड ऑल थोड़ा थोड़ा खाया वाया. फिर उसके बाद वन मोर थिंग मैं बताना भूल गई कि
कि ये प्रोसेस में ओवरऑल 3 to 4 hours लगता है एज बेस्ड ऑन योर हेयर लेंथ, तो आप ये चीज़ पहले ही पूछ लेना क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस तो है, आफ्टर ऑल इतना सुंदर लगना है हमको तो थोड़ा टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सो अभी भी मेरा बैक टू द पॉइंट, अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा था हेयर वॉश करने का, इतने सुंदर बालों को वॉश कौन करता है यार। पर फाइनली वॉश होने के बाद काफ़ी नाइट हो गई थी ये मेरा प्रोसीजर करते करते, फिर दो लोगों ने साथ में आके मेरे हेयर को प्रॉपर ड्राई किया, एंड्स एंड टू रूट्स बहुत अच्छे से ड्राई होना चाहिए। ड्रायर हो जाने के बाद उन्होंने सीरम्स एंड ऑल यूज़ करके दिखाया एंड मेरा लुक एंड लुक बहुत ही ब्यूटीफुल था, एंड जो भी कलर्स एंड ऑल यूज़ करते हैं वो भी कलर्स बहुत अच्छे से दिखते हैं। सो अब भी आप देखो मेरा फाइनल रिजल्ट, तो ओ माई गॉड ये था मेरा फाइनल रिजल्ट, मेरे हेयर इतने सुंदर लग सकते हैं। एज यू नो कि हाइलाइट्स इन्हेंस होके दिखता है, सो यू कैन सी कि मेरा ओल्ड हाइलाइट्स जो मैंने 2 साल पहले किया था वो भी अभी इतना सुंदर लग रहा है। सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मुझे मेरे हेयर के टेक्सचर के हिसाब से मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग कैरेटिन इज अ बेस्ट थिंग लगा फॉर माई हेयर, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम करवा रही थी तो मैं उतना केमिकली चीज़ें अपने हेयर पर नहीं यूज करना चाहती थी, और ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, आपका क्या है वो आप खुद चूज करो, लाइक अ प्रोसीजर एंड ऑल पूरा रिसर्च करके करो। अगर आपका कैरेटिन 4 to 5 months भी चल रहा है तो लाइक गाइज दिस इज वर्थ, लाइक आपकी इतनी अच्छी फोटोज हो जाती है, इतना अच्छा लुक आ जाता है, लाइक लिटरली मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं सो के उठती हूँ, ड्रेसअप होती हूँ, चेंज वेंज नहाया वहाया करके, एंड लिटरली मैं विदाउट कॉम घूमती रहती हूँ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लाइक अभी भी देखिए मैंने कोई कॉम नहीं करा, बस क्या यूट्यूब वीडियो शूट करना था, यू करके 2 clips लगा के दैट्स इट। सो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इट मीन्स यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज 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 सपोर्ट मी एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट दी बिलो, लाइक वो आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करिए एंड मेरे साथ बने रहिए एंड मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट।